फाइनली इस मैच के साथ यूएई ने अपना इस राउंड में जो है वो खाता खोल दिया जीत का, क्योंकि इस मैच में अभी तक उन्होंने दोनों मैच खेले थे और दोनों में उन्हें हार मिली थी। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि अब ये पिच जो है वो जिस तरह से पहले बिहेव कर रही थी उस तरह से अब ये पिच बिहेव नहीं करती नजर आ रही है। अब पहले इनिंग में भी रन्स करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जब एक अच्छी बैटिंग क्वालिटी वाली टीम भी अगर स्ट्रगल कर रही है तो डेफिनेटली पिच जो है वो स्लो इस साइड पे यहाँ पर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि 171 चेस करने के लिए भी यूएई को लगभग 45-46 ओवर लग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा क्लियरली इंडिकेशन है कि पिच जो है वो अब बहुत ज़्यादा स्लो इस साइड की तरफ बढ़ रही है। लेकिन चलिए पिच से पहले यहाँ पर सबसे अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। यूएई ने यहाँ पर टॉस जीता पहले, स्कॉटलैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और यहाँ पर कहना होगा कि वो फैसला बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर हालत ये हो गई है कि आप पहले बैटिंग लेते हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सेकंड बैटिंग लेते हैं तो भी ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पर हो रही है, लेकिन अभी भी पहले के मुकाबले सेकंड बैटिंग करना टफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्कॉटलैंड की इनिंग में कुछ बहुत बड़े ब्लंडर्स भी उनकी तरफ से हुए। बिल्कुल, और सबसे पहले कहना होगा कि बैटिंग यूनिट बहुत फेलियर हुआ है, बहुत ड्रास्टिकली फेलियर हुआ है। इस तरीके से अपने आप का विकेट दे देना और उसके बाद अच्छी एक स्टार्ट मिलना, ये स्कॉटलैंड से ज़्यादा देखा नहीं जाता। एक स्टार्ट मिलने के बाद अक्सर देखा जाता है कि वो लंबे स्कोर पे जा रहा है कोई एक बैट्समैन, लेकिन कल जो हुआ है, जी हाँ, कल के मैच में जो हुआ है वो एग्जैक्टली यही हुआ कि यूएई के बॉलर्स ने उनको फंसाया भी है और बहुत बहुत ज़्यादा हॉरिबली मिस्टेक भी हुई है स्कॉटलैंड से। तीन रन आउट हुए हैं। बासिल हमीद का शानदार थ्रो भी था, जो कि एक उनकी क्रेडिट देना होगा उन्हें, पर तीन रन आउट हैं और ये रन आउट बहुत महंगे पड़े हैं टीम को। और साथ ही साथ वो जो क्रिकेट खेला है स्कॉटलैंड ने, बैटिंग करी है वो भी बहुत वीक नज़र आई है। इतना नहीं था कि 171 रन आप पूरे 50 ओवर खेल गए, पहले ऑल आउट हो जाते तो बात समझ में आती कि हाँ चलिए यूएई ने बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई है, अच्छी बॉलिंग कराई है, पर बहुत ही शानदार वो अभी थोड़ा दूर है उनसे। पर आपकी गलतियों से और इस तरीके की मिस्टेक से, जो सिली मिस्टेक होती है शॉर्ट सिलेक्शन में भी, और कहीं ना कहीं ये है कि फंस जाना, स्कॉटलैंड ने एक जना लंबी पारी जो खेलता है स्कॉटलैंड से इतनी बॉलें खेलने के बाद बावजूद सिर्फ 171, ये कहीं ना कहीं एक सही नहीं लगता है स्कॉटलैंड को देखकर। 230 या 240 होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तीन जो रन आउट हुए हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डेंट मारा है इस स्कोर को, और तो फिर कहीं ना कहीं हम सोच सकते थे कि ये 230-240 का स्कोर हो सकता था, लेकिन उसके अलावा भी बैटिंग इतनी ज़्यादा खास स्कॉटलैंड की तरफ से कल देखने को नहीं मिली। बिल्कुल, इसका कितना क्रेडिट आप यूएई के बॉलर्स को भी देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए बॉलिंग ने बहुत शानदार यूनिट ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई है, कोई दौरा नहीं है। स्पिनर्स ने खासकर बहुत अफेक्टिव रहे हैं, ये कहना पड़ रहा है कि स्पिनर पहली इनिंग में अब अफेक्टिव होते जा रहे हैं, तो इससे आप पिच का मिजाज देखिए किस तरीके से बदलता जा रहा है कि अब पहली इनिंग में भी स्पिनर आ रहे हैं। पेसर ने विकेट लिए, तीन विकेट लिए हैं पेसरों ने और चार विकेट यहाँ पर स्पिनरों ने लिए और तीन रन आउट। बिल्कुल, तो ओवरऑल मैच की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 विकेट पेसर्स ने निकाले हैं इस मैच में, जी हाँ, 5 विकेट स्पिनर्स ने और 3 रन आउट हुए हैं। अब यहाँ पर 172 चेस करने के लिए टीम उतरी, सेकंड इनिंग में 172 रन भी चेस करना इतना आसान नहीं हो गया है। जी हाँ, पिच से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई है, क्योंकि इस तरह की पिच जो है जो एक दो मैचेस के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्लोएस्ट साइड की तरफ जा रही है पिच, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई है कि इस तरह की पिच कम से कम एक्सपेक्ट नहीं थी यूएसए से। लेकिन चलिए अब जो कुछ जो है सो है, लेकिन फिलहाल 171 रन चेस करने के लिए भी 45 करीब ओवर्स यहाँ पर यूएई को लग गए, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा चेस रहा है। नहीं, मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे, मैं जवाब मैं इसको बाद में दूंगा, लेकिन एक शिकायत मेरी रही है। अब आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, मुझे भी ज़रा समझाइएगा और आप जो सुन रहे हैं वो भी थोड़ा समझिए इसे, कि दो एक 6 प्लेयर है मान लीजिए, वो उनमें से 4 प्लेयर को स्ट्राइक रेट का दिक्कत नहीं था, 50 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और ये बहुत एसोसिएट प्लेयरों में दिखाई देता है। स्लो पिच हमने भी पहली बार नहीं देखी है, आप लोगों ने भी पहली बार नहीं देखी है। 50 की स्ट्राइक रेट से 40 की स्ट्राइक रेट से एक बैट्समैन रन बना रहा है, पर वहीं पर एग्जैक्टली उसी सेम पोजीशन पर आकर एक बैट्समैन 140 के स्ट्राइक रेट से रन मार जाता है, इसे कैसे देखेंगे आप? क्या हर बात पिच पर देना दोष देना, या फिर हमने ये पहली बार स्लो पिच नहीं देखी है? सॉरी, इसे बहुत देखी है स्लो पिच, पर इस तरीके की बैटिंग होना, एक जना 140 की स्ट्राइक रेट से मार दे रहा है, रन मार दे रहा है, लेकिन एक जना 70 की स्ट्राइक रेट से भी रन नहीं मार पा रहा, जो कि एक अच्छा गुड स्ट्राइक रेट कहा जाता है।
बिल्कुल, ये भी एक है फैक्टर इसमें देखा जाने वाला कि आखिर एक प्लेयर रन मार रहा है, दूसरा प्लेयर रन नहीं मार पा रहा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हमें ये भी देखना होगा कि बाकी टीम्स के प्लेयर भी किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। यही बीच जब पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पर इन्हीं प्लेयर्स के वजह तरफ से रन आ रहे थे, लेकिन अब नहीं आ रहे, तो यहाँ पर देखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि पहले पेसर्स खूब विकेट ले रहे थे और अब स्पिनर्स ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि पिच किस तरह से फट रही है और पिच में किस तरह से मार्क्स आ रहे हैं, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है। एक आध प्लेयर्स हो जाते हैं, क्योंकि एक आध प्लेयर्स उन स्लो पिचेस में जो हमने देखा है उनमें भी एक आध प्लेयर्स स्कोर कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। खास करके मेरे ख्याल से जो ज़्यादा डिफेंसिव मोड पर जाने का अप्रोच रखते हैं उनके लिए ये पिच नाइटमेयर साबित हो जाती है। जो खुल के खेलना जानते हैं, जो कुछ स्ट्राइकर के साथ खेलना जानते हैं, उनको यहाँ पर इस तरह की पिचेस में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, जो बहुत ज़्यादा शेल में चले जाते हैं, उनके लिए ये पिच कहीं ना कहीं नाइटमेयर साबित होगी, और जो खुल के खेलते हैं उनके लिए शायद नहीं। तो ये एक रीज़न हो सकता है बिल्कुल इस पिच में अब जो है स्कोर्स निकल के नहीं आ रहे, क्योंकि डिफेंसिव अप्रोच बैट्समैन का ज़्यादा रह रहा है। हमने यूए के बैट्समैन का भी देखा और अब स्कॉटलैंड के बैट्समैन का भी यही देख रहे हैं। 172 चेस करने के लिए टीम आई, क्या लगता है आपको कि ये चेस किस तरीके का? बिल्कुल एक्सेसिव स्लो इनिंग रही है, मैं ये कहूँगा। चलिए, पिच का मिजाज बदला, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर मोहम्मद वसीम बैटिंग करते हैं, उनका स्ट्राइक रेट है 72 का, बहुत ही अच्छा है, गुड स्ट्राइक रेट है एज अ बैट्समैन, ये सही कहा जाएगा बहुत वनडे में। अब मैं आपको बाकी बताता हूँ। वृत्ति अरविंद आते हैं 55 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, खेल रहे हैं और विकेट नहीं गिरा था उस टाइम, एक विकेट गिरा था खाली, पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, चलिए बहुत अच्छी बात है आपने पार्टनरशिप दी। पर आपके अनदर बैट्समैन हैं जो 72 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं और एक 55, और उसके बाद आते हैं रिजवान जो कि 46 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, तो इससे तो प्रेशर बढ़ेगा ही ना। आपने जैसा कहा कि शेल में चले जाते हैं, डिफेंस में चले जाते हैं, तो इससे किसका नुकसान हो रहा है? यूएई का ही नुकसान हो रहा है। अभी आप देखिए 171 बनाने के लिए 45 ओवर लग गए, यहाँ 210 रन होते तो शायद हार चुकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, 215 पे हार भी सकते हैं। और जबर फरीद, माफ कीजिएगा, जबर फरीद आते हैं 19 बॉलों में 32 रन मार जाते हैं, उसी सेम एग्जैक्टली बॉलर के खिलाफ, उसी पिच के खिलाफ 3 चौके और 2 छक्के भी मार के चले जाते हैं। बिल्कुल, कहने का मतलब ये नहीं है कि 140 के आपको ऐसे ही खेलना होगा, बिल्कुल नहीं। आप एक प्योर बैट्समैन है, क्लास है आपके अंदर, ऊपर के बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, 70 से 90 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, ना कि 40 से 50 या 55 का। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियरली है कि ओवर डिफेंसिव हो जाने की वजह से इस तरीके के जो रिजल्ट्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं स्कॉटलैंड के बैट्समैन की तरफ से भी और यूए के बैट्समैन की तरफ से भी। आपको कम से कम रन बॉल या फिर स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको ये पिच लगेगा कि नहीं, इस पिच पे अभी भी बहुत कुछ है रन निकालने के लिए। डेफिनेटली ये भी एक फैक्टर है कि उसी पिच पे दूसरे प्लेयर्स रन निकाल रहे हैं तेजी से और कुछ प्लेयर्स रन नहीं निकाल पा रहे, तो यहाँ पर देखना होगा कि आखिर ये चीज़ कौन आकर ठीक करता है कि वो कोई एक बैट्समैन जो दिखाया हमें कि नहीं चलिए यहाँ पर भी आप रन कर सकते हैं, क्योंकि इस मैच में भी कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन आखिर करने की कोशिश करी है। लेकिन एट द एंड चलिए यूएई को एक बेहतरीन फाइनली जीत तो मिली और 2 पॉइंट्स इस सीरीज से मिले हैं, और अब एक मैच बचा है यूएई वर्सेस यूएसए। देखना होगा यूएई उसे हेल्दी नोट पे खत्म करता है या फिर यूएई इस राउंड में सबसे पुअर टीम बनकर निकलती है, क्योंकि अगर वो मैच यूएसए जीतता है जाहिर सी बात है यूएई इस राउंड की सबसे पुअर टीम बनकर निकलेगी, और सबसे बेहतरीन टीम हैरानी होगा यूएसए निकलेगी। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि यूएसए स्कॉटलैंड और यूएई ऐसे भी ज्यादा बेहतर करेगी इस राउंड में, कम से कम 3 मैचेस जीतने का नहीं था, लेकिन चलिए देखते हैं लास्ट मैच में क्या होता है। उम्मीद है कि एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट जरूर हमें देखने को मिलेगा, एज अ क्रिकेट फैन हमें तो कॉन्टेस्ट बेहतर चाहिए बस और क्या। लेकिन यहाँ पर अभी तक का अगर देखा जाए हाल तो स्कॉटलैंड का कंप्लीट हो गया सारे मैचेस, 4 मैचेस उन्होंने खेले, 2 जीते और 2 हारे, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट या बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट उनके लिए ये नहीं रहा है। 8 में से सिर्फ 4 पॉइंट्स वो लेकर जा रहे हैं, यूएसए ऑलरेडी 4 पॉइंट्स है, देखना होगा लास्ट मैच में क्या होता है। ओवरऑल स्कॉटलैंड की बॉलिंग को आप कैसे देख रहे हैं, क्या 171 में भी और कुछ पुश किया सकता था या फिर नहीं, ऑलरेडी 171 में काफी पुश कर दिया उधर 45 ओवर तक? नहीं बिल्कुल, देखिए आप ही का जवाब मैं दूंगा यहाँ पर। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जब बैट्समैन ओवर डिफेंसिव हो जाए, ज्यादा सेल में चला जाए, तो बॉलर्स के पास भी इतना कुछ बचता नहीं है, और ये रेड बॉल क्रिकेट नहीं है, ये वाइट बॉल क्रिकेट है जहाँ बॉल कुछ हिलता विलता है नहीं, और जब इतना शेल में चले जाएंगे तो बॉलर्स के लिए कुछ बचेगा नहीं। और हाँ, आप देखिए तो रन इकोनॉमी रेट जो है बॉलर्स की वो बहुत शानदार रही है स्कॉटलैंड के बॉलर्स की, तो आप जिम्मेदार कौन है, वो यूएई खुद ही जिम्मेदार है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिव सेल में चले जाना, तो उससे लगता है कि हाँ स्कॉटलैंड की बॉलिंग जो है वो बहुत शानदार है।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक सिंपल सा फैक्टर समझ में आता है कि वनडे क्रिकेट में जो है इतना खेलना आसान नहीं होता जिस तरह से T20 में टीम्स खेला करती है। एशियाई टीम्स की बात कर रहा हूँ, एशियाई टीम में मैं एक आध टीम्स को अगर मैं छोड़ दूँ तो मोस्टली जो टीम्स हैं वो ODI में 50 ओवर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। उनका खेल, उनका टेक्निक, उनका मेंटालिटी, उनकी जो सोचने का तरीका है खेलने का, 300 बॉलें हैंडल करने का जो तरीका है उन वो बहुत ज़्यादा पुअर नज़र आता है। आप देखिए एक तरफ नामीबिया को, नामीबिया T20 में एकदम अलग टीम लगती है, ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी, इंडिया को हरा देगी एक तरफ, और दूसरी तरफ वनडे में जैसी आती है वो ऐसा लगता है कि अभी भी नामीबिया 2013-12 की नामीबिया टीम नजर आती है। तो वही मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। अब आप देखिए कि बैटिंग यूनिट अगर इतना स्ट्रगल करेगी, जो जिनकी अच्छी खासी बैटिंग यूनिट है, तो फिर जिनकी बैटिंग में थोड़ी स्ट्रगल है, जैसे कि मैं PNG की बात करूँ, नेपाल की बात करूँ, इस तरह की टीम्स जब आएगी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। देखना होगा क्या क्या कुछ होता है आने वाली उस सीरीज में। जाहिर सी बात है जो टर्फ है वो तो चेंज होना है, इस टर्फ में नहीं खेलना है ओमान और USA और नेपाल को, उसके पास और जो टर्फ है वहाँ पर होना है, लेकिन देखना होगा कि आखिर उसमें भी किस तरह से चीज़ें निकल कर आती है। फिलहाल में इतना ही बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ। बस एक ही चीज कहना चाहेंगे, थोड़ा अपना खेल का स्तर उठाइए, इस तरीके के खेल से डेफिनेटली फैंस जाते हैं आने के बजाय। जो हम कहते, जो पहले हम कहते सुनते थे, हम भी उनमें शामिल थे, कहते सुनते थे कि बहुत स्लो क्रिकेट होता है, बहुत ये क्रिकेट होता है, एशियन क्रिकेट कौन देखेगा, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक पैरामीटर है जो हमें समझ में आता है कि उन लोगों को लगता होगा कि वो अरे हटाओ यार ये मैच कौन देख रहा है। इस तरह के क्रिकेट से ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो आपको अपना जो मेंटालिटी है, जो खेलने का तरीका है, उसे बदलना होगा, खास करके वनडे। अभी जो राउंड गया था स्कॉटलैंड नामीबिया और आई थिंक UAE का जो राउंड था या ओमान का राउंड था, ओमान नामीबिया, जी हाँ ओमान नामीबिया स्कॉटलैंड UAE, क्या राउंड था वो। आप देखिए वो राउंड होना चाहिए जहाँ स्कोर बने, रन बने और धमाकेदार जो बॉलर्स ने विकेट भी, बिल्कुल विकेट्स भी लिए हैं, वो राउंड और सबसे मोस्ट थ्रिलिंग राउंड था हमारे लिए भी जब हम लोग इनके सारे मैचेस देखे। बिल्कुल, तो इस तरह की क्रिकेट कहीं ना कहीं जबरदस्त लगती है। और उसके बाद जो ओमान USA और नेपाल हुआ था ओमान में, वो उसके बाद सबसे बेहतरीन राउंड था जब तक हमने देखा है। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिसअपॉइंटिंग होता है कि 50 ओवर के गेम में इस तरीके का परफॉर्मेंस, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, UAE की बात कर रहा हूँ, स्कॉटलैंड की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ, बहुत पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वनडे क्रिकेट में आपको और बेहतर करने की जरूरत होगी। बहुत सब्सक्राइब जरूर करें।